हेलो स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों के सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन से होते हैं, इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार, सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग से, और इस सीरीज में आज आपको बताने जा रहा हूं विद्यार्थियों के एक और बड़े दुश्मन के बारे में, जिसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या, जेलेसी, है ना। तो ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या स्वयं के कमजोर होने की पहचान है। हमारी कमजोरियां हमें आत्मविश्वास, आत्मबल की कमी पैदा करती है और हमें ईर्ष्यालु बनाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अन्य किसी की सुख, शांति या प्रगति देख करके सुखी नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं अपने को आहत महसूस करता है, दुख महसूस करता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि वो अपने दुख से नहीं दुखी है, वो पड़ोसियों के सुख से दुखी है, ऐसी होती है ईर्ष्या। बहुत से छात्र स्वयं तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अन्य पढ़ने वाले छात्रों को किसी न किसी रूप से परेशान करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। यदि कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में साधारण कपड़े पहनकर के आता है, या वो पैदल आता है, या वो कैंटीन में समोसे पेप्सी में पैसे खर्च नहीं कर पाता, तो कई सारे स्टूडेंट्स उस पर ना छींटा कसी करते हैं, ताना मारते हैं, व्यंग करते हैं और इस तरीके से उसे बुली करने की कोशिश करते हैं। तो छात्र ही नहीं, छात्राओं में, है ना, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनमें भी ईर्ष्या की प्रबल भावना देखी जा सकती है। जैसे यदि कोई छात्रा पढ़ने में होशियार है, लेकिन वह अन्य छात्राओं के साथ आर्थिक या अन्य कारणों से घुलती मिलती नहीं है, तो वह छात्रा अन्य छात्राओं की ईर्ष्या का लक्ष्य बन जाती है। छात्राओं में एक और बात होती है, जैसे यहाँ पर था ना आर्थिक कारणों से, कि भाई वो पार्टी करने में, समोसे खाने में, पेप्सी पिलाने में पैसे खर्च कर रही है, पार्टी दे सकती है, बर्थडे पर इतना बड़ा रेस्टोरेंट बुक कर सकती है, तो मैं कर सकती कि नहीं, या दूसरी लड़की कर सकती है कि नहीं, ये वाली बात। और कभी कभी उनके साथ में ना होता है कि भाई उसके पास जो बैग है वो इस ब्रांड का है, उस ब्रांड का है, उसने पिछले दिनों मेकअप का ये सामान इस ब्रांड का ख़रीदा, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें। कई बार उनमें ईर्ष्या का विषय उनके चेहरे मोहरे, फेयर कम्प्लेक्शन, वो भी हो सकता है कि कोई गोरा है या सांवला है। तो ईर्ष्या का अर्थ मोटे तौर पर ये लिया जा सकता है कि जो कुछ हमारे पास नहीं है वह किसी और के पास है तो क्यों है, या जो किसी दूसरे के पास है वो मेरे पास में क्यों नहीं है। तो यह क्यों, ये जो क्यों है ना, यही ईर्ष्या की जन्म दाता है, यही जलसी को जन्म देती है। अब स्टूडेंट्स के लिए ईर्ष्या का क्या महत्व है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में समझने के लिए ना एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कि एक जैसे एक परीक्षा हो रही थी जिसमें कि छात्र बी छात्र ए के द्वारा तैयार किए हुए प्रश्न का उत्तर अपने साथ परीक्षा भवन में ले गया, शीट बना करके ले गया। वही प्रश्न परीक्षा में आ गया, है ना, और फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा चेकिंग करते समय छात्र बी ने वह उत्तर छात्र ए के पास चुपके से फेंक दिया। तो चुपके से फेंक दिया तो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को जिसके पास वो कागज़ का टुकड़ा नज़र आएगा वो तो उसे ही दोषी समझ लेगी, उसी को ही पकड़ लेगी। और ऐसा ही कुछ हुआ कि जब उड़न दस्ते के अधिकारी उस छात्र ए के पास पहुंचे तो उन्होंने उत्तर को उठा लिया और छात्र ए को परीक्षा से बाहर निकालने की तैयारी कर ली। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल, वो समझदार थे, वो छात्र ए के बारे में जानते थे, या उन्होंने कहीं और से ये सारी चीज़ें देख रखी होंगी। उन्हें थोड़ा सा ये भी आइडिया था कि भाई जो छात्र ए है वो तो बड़ा ही इंटेलिजेंट और बड़ा ही सज्जन छात्र है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से छात्र ए समझ गया कि मेरे साथ ये शरारत छात्र बी के द्वारा ईर्ष्यावश किया गया है, क्योंकि वो जो छात्र बी था वो पहले से भी क्लासरूम में छात्र ए की सफलता से जलता था, उसकी पॉपुलैरिटी से जलता था, टीचर्स भी उसी को अप्रिसिएट किया करते थे।
तो जिसके पास जो नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए या तो प्रयत्न नहीं करना चाहता या वो स्वयं को इस योग्य समझता नहीं है और इसी वजह से वो आंतरिक रूप से दूसरे से ईर्ष्या का भाव रखता है, उसे नीचा गिराने की कोशिश करता है। और कई बार तो छात्र इस जलेसी के कारण दूसरे छात्रों को ज्यादा ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते देखे गए हैं। प्रोफेसर की निगाह में, टीचर की निगाह में, क्लास टीचर की निगाह में अन्य छात्रों को गिराने के लिए कई छात्र कई बार सच्ची झूठी और उल्टी सीधी बातें उन्हें बताते रहते हैं जिनका कोई सकारात्मक उद्देश्य नहीं होता। और अभी अभी जो हमने ये कहानी सुनाई छात्र ए और छात्र बी वाली बात, जिसमें छात्र बी ने जो चिट पर्ची बनाई थी उसे छात्र ए के पास फेंक दिया था और बेचारा छात्र ए बड़ी मुश्किल से फ्लाइंग स्क्वाड से बचा। तो आगे चल करके छात्र ए अपनी लाइफ में सफल होता है, वो एक बड़ा ऑफिसर बनता है, लेकिन छात्र बी बहुत दिनों तक भटकते रहने के बाद में बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम मिला, है ना। तो ये आपने एक उदाहरण देखा। तो आपको क्या याद रखना चाहिए ईर्ष्या के बारे में कि ईर्ष्या से आप दूसरों को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन इससे आपको कभी कोई सकारात्मक लाभ नहीं मिलेगा। ईर्ष्या के कारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति जीवन में स्वयं ही अधिकांशतः असफल ही रहता है, उसके सफल होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो ये सबसे बेहतर है कि आप दूसरों की प्रगति, सफलता, समृद्धि, खुशहाली से आहत ना हो, डिस्टर्ब ना हो, दुखी ना हो, ईर्ष्या ना रखें, बल्कि उस स्तर पर पहुंचने के लिए जो जरूरी प्रयास होता है, जो जरूरी मेहनत होती है वो करनी चाहिए। ईर्ष्या से कभी सफलता नहीं मिलती बल्कि यह आपकी कमजोरियों की द्योतक है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई दूसरा छात्र आपसे ज़्यादा सफल हो रहा है, ज़्यादा तेज है, लोग इसकी तारीफें करते हैं, तो आपको ईर्ष्या करने की बजाय उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। आप उसके साथ प्रतियोगिता का भाव रखो, कम्पीट करो। एक एग्जाम्पल है आपके पास में कि आपके जैसे ही कद काठी का, आपके ही मोहल्ले का बच्चा इतना तेज हो सकता है, ये काम कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, ऐसे सोचना चाहिए। और आप चाहो तो उससे बात करके उसकी सफलता के टिप्स भी ले सकते हो, वो शायद हेल्प भी करे। तो ईर्ष्या से बचना चाहिए, ईर्ष्या के बजाय हमें दूसरों की सफलता को देख करके प्रेरित होनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट इफ ही कैन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने विद्यार्थियों के बड़े दुश्मन जेलेसी, ईर्ष्या के बारे में बात की। जल्दी ही हम लोग एक और टॉपिक लेकर के आएंगे। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। आप क्या पढ़ना चाहते हो, आपकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं पढ़ाई के बारे में, आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो, मौका मिलते ही मैं आपकी हेल्प करूँगा। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।